हर हर गंगे, जय माँ गंगे। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। दोस्तों, आज हम मनसा देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं और ये मनसा देवी मंदिर के रास्ते का जो बाज़ार वगैरह है, ये रोपवे का रास्ता है और पैदल भी रास्ता यहीं से ही निकल कर जाता है। पहले हम रोपवे की ट्राई करेंगे, अगर हमको रोपवे की टिकट मिल गई तो हम रोपवे से आज मनसा देवी मंदिर की तरफ जाएंगे। ऊपर से पहले ट्रेन निकल रही है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ट्रेन निकलने के बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर बाज़ार में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है भाई, बाज़ार काफ़ी तंग सा है, ऑटो वगैरह भी सारी कुछ बीच में ही आ जा रहे हैं, बाज़ार इतना खुला डुला नहीं है। और वो जो सामने आप खिड़की देख रहे हैं, ये रोपवे की टिकट काउंटर है, ये 140 रुपये दे रहे हैं दोनों तरफ आने जाने का, पर पर्सन का, एक बंदे का 140 रुपये माता मनसा देवी मंदिर के लिए। बिल्कुल टॉप पर ले जाता है ये रोपवे और बिल्कुल यहाँ नीचे पर आकर छोड़ देता है। और ये जो पीछे का रास्ता दिखलाया है, ये पैदल वाला रास्ता है। अभी हम देख रहे हैं, अभी टिकट के लिए लाइन तो बहुत बड़ी लगी हुई है कि हमको टिकट मिल भी पाती है कि नहीं। फिलहाल टिकट तो हमको नहीं मिली भाई, पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। चलो पैदल ट्रैक करते हैं और माता जी के दर्शन कर आते हैं। जय माँ मनसा देवी। लीजिए, हमने पैदल यात्रा शुरू कर दी है अब, और रास्ते में आपको मैं रोपवे भी दिखाऊंगा जहाँ पर यह ट्रालियाँ जाती हैं। वो देखिए, पीले रंग की ट्राली आ गई, ये जा रही है। ऐसे ट्रालियों में बंदे को बिठाकर भाई ऊपर पहुँचाते हैं, दो दो बंदे, तीन तीन बंदे बैठता जाते हैं एक ट्राली में। एक वो रही हरे रंग की, जैसे जिनको पैदल चलने में तकलीफ़ है ना, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया सुविधा इन्होंने बना रखी है। बंदा बड़े आराम से माता के दर्शन कर वापस जा सकता है सिर्फ 140 रुपये में, और कॉस्ट भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई है इन्होंने। इसके बाद जो चंडी देवी मंदिर है, उसकी कॉस्ट इन्होंने 200 रुपया पर बंदा का रखा हुआ है, शायद उसकी चढ़ाई इससे ज़्यादा होगी। ये देखे भी लोग पैदल किस तरीके से चढ़ाई कर जा रहे हैं। व्यू देखिए कितना शानदार आ रहा है, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी वगैरह बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो रोपवे से आते हैं उनके पास ये चीज़ नहीं, क्योंकि रोपवे रास्ते में रुकती भी नहीं है, सीधा आगे को ले जाती है। यहाँ पर आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर रुककर अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं। देखो भी रास्ता कितना बढ़िया और कितना सुंदर है, खुला खुला रास्ता है तकरीबन सारे का सारा, और रास्ते में आपको पानी की, ठंडे की, नींबू शरबत पानी, जैसा मर्जी है आपको, जैसा चाहिए, हर एक तरह की आपको सुविधा मिलती है रास्ते में। काफ़ी बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। श्रद्धालु आ रहे हैं, वापस जाना तो बहुत ही आसान है, वापस जाना तो सिर्फ बच्चों का खेल है, यूँ समझ लीजिए। नीचे को उतराई है, जाने वक्त तो सिर्फ ऊपर को चढ़ाई आती है। देखो भैया, तो सारे श्रद्धालु पैदल ही जा रहे हैं। सुबह सुबह के समय में ये रोपवे चली थी, और लेकिन अब रोपवे इन्होंने टिकट काउंटर बंद कर दिया है, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए इन्होंने रोपवे की टिकट बंद कर दिया। ये हम अंदर आ चुके हैं मंदिर के, यानी कि लाइन में लगे हुए हैं। ये दुकान है मंदिर के पास में ही, यहाँ पर ओरिजिनल रुद्राक्ष वगैरह, काले घोड़े की नाल वगैरह, ऐसा काफ़ी कुछ यानी ये बंदा बेच रहा है। मंदिर के बिल्कुल पास में है ये दुकान, और ये देखिए बिल्कुल हम सामने आ गए हैं। जय माता मनसा देवी भाई। मंदिर के मैंने अंदर से दर्शन कर लिए, फिर कैमरा वगैरह तो मैं अंदर नहीं लेकर गया, क्योंकि भाई भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कैमरे को ले जाना फिर इतना मुझे सही नहीं लगा। भाई ये देखिए रोपवे चलती, बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको। ये श्रद्धालु के वापस चले गए, वो जो पहले थे वो ऊपर आए थे। एक तरफ से लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो ये बिल्कुल ये खाली जा रहा है। अरे भाई किसी को तो ले जाता, ये इसमें है सवारियाँ। भाई काफ़ी अच्छा रहा, आपको भी जाना चाहिए एक बार। ये माता मनसा देवी और चंडी देवी, ये दोनों ही यहाँ पर स्थित हैं, नज़दीक नज़दीक ही है। देखो भाई श्रद्धालु दर्शन कर वापिस आ रहे हैं, और ये जाने वाले हैं, ये श्रद्धालु जाने वाले हैं। सब के सब श्रद्धालु पैदल यात्रा में कर जा रहे हैं, प्रसाद वगैरह ले रहे हैं यहाँ से।
ये कुछ इनके लकड़ी का साजो सामान है, ऐसा कुछ सामान जो यहाँ से बेचते हैं निशानी के तौर पर लोग घरों में ले जाते हैं। जितने भी चढ़ाई कर रहे हैं सब आगे की तरफ ही जा रहे हैं, यूँ समझ लीजिए बस उतराई है, उसके बाद जिन्होंने वापस जाना है वो नीचे की तरफ उतर कर जाते हैं बस। अच्छा एक बात आपको बता दूं कि भाई जो जोड़े हैं अपने जो जूती है आपके पास पाई हुई वो नीचे मत उतारिएगा कभी भी, मंदिर के पास जाकर उतारिए। ये तो पहले से ही कहने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पर उतार दो प्रसाद ले जाओ, भाई गर्मी में आपके पैरों पर छाले हो जाएंगे आप इतनी ऊंची चढ़ाई पर जाओगे तो, पहली बार जा रहे हैं तो, इसलिए हमेशा बूट आगे जाकर उतारिए, पीछे तो उतारिए ही मत। ये दुकान वाले बहुत कहते हैं कि भाई यहीं पर उतार दो कुछ नहीं होता, आगे मंदिर आ गया मंदिर आ ले जाए, बहुत गलत बात गाइड करते हैं ये अपना लालच देखते हैं कि हमारे से 150 का प्रसाद लेकर जाएगा, हमारे जूतियाँ यहाँ पर खोल जाएगा अपनी, इनका तो धंधा बना लिया इन्होंने तो। फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा खींचते हैं ये देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं आप लोग करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देखो भाई व्यू देखो पहले आप, चैनल तो बाद में भी सब्सक्राइब हो जाएगा, पहले व्यू देखो भाई, नज़ारा आ गया देखो, बहुत अच्छा पॉइंट था ये रास्ते में जो था एक बना हुआ। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखें, बिना पानी के आपको चढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, बच्चे हैं वो तो भाग कर चले जाते हैं लेकिन बड़ों को मुश्किल हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।